आज हम झारखंडी स्टाइल में साग बनाएंगे, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये पालक, बथुआ और सरसों को मैंने अच्छी तरह से साफ करके काट लिया है, और ये एक मूली थी उसको हाफ छील कर साफ करके काट लिया है। दो बैंगन, ग्रीन बैंगन काट लिए हैं और दो टमाटर काट लिए हैं। चार हमारे पास हरी मिर्च भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम कुकर में डाल लेंगे। सबसे पहले साग डालेंगे, उसके बाद में बैंगन, मूली, टमाटर और हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को डालकर हम नमक डाल देंगे और बाकी बचे जो साग है उसे ऊपर से डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस पर रखकर इसे 3 से 4 सीटी तक हम पका लेंगे। तो अब इसे हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और गैस पर रख के 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। 3 से 4 सीटी लग चुके हैं, इसका स्टीम भी रिलीज हो चुका है। आप इसका कवर हटाकर देख रही है, देखिए पूरा ये गल के थोड़ा सा हो गया है, एक कुकर था। इसे अब हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, इसे हम कलछी से ही इस तरह से घोट देंगे। तो गांव में इसी तरह से घोट दिया जाता है, देखिए घुट गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए कढ़ाई गैस पर रखेंगे, तेल गरम करेंगे, सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल ज़्यादा टेस्ट देता है। 2 सूखी लाल मिर्च और बिना छिलका हटाए लहसुन डालकर इसे हम चटका लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें उबले हुए साग डालेंगे। तो सारे साग डाल लेने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने उबालते समय भी डाला था, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसको कवर कर देंगे 2 मिनट तक। और 2 मिनट कवर करने के बाद इसे हम ढक्कन हटाएंगे और अच्छी तरह से मिलाते हुए पूरा इसका पानी हम सुखा लेंगे। जब इसका पानी सूख जाए तब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसमें हम ऊपर से हम देसी घी डाल देंगे। और झारखंड में ज़्यादातर रागी का आटा चलता है, तो रागी का रोटी के साथ इसे खाया जाता है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए, बिना तामझाम के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। ये गांव का देसी स्टाइल साग बनाने का तरीका है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की छोटी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।